यहाँ पे भैया हम तो पागल हो गए, दे दे के यहाँ तो सबको वोट दे रहे हैं। अब लाइट भग गई, सब भग गई, राशन मिल रहा हम नहीं करे राशन। दो किलो गेहूँ मिल रहे, एक किलो चावल मिल रहा, उसमें एक महीने में खा लूंगी। तुम खा लोगे, मोदी खा लेगा या केजरीवाल खा लेगा एक महीने तक? आप मुझे सबसे नाराज नजर आ रही हो। भाई बीजेपी का जोर लग रहा है, बीजेपी आएगी। मोदी जी काम भी बढ़िया कर रहा है, बतेरी चीज लागू कर रखी है, गरीबों के लिए भी कर रखी है, सबके मतलब बराबर कर रखा है सिस्टम से, जितना भी कर रखा है। क्या लग रहा है इस बार जोर यहाँ पे बीजेपी बीजेपी का? क्यों? हम तो बीजेपी की तरफ। ललनटॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। ललन टॉप की चुनावी यात्रा जो है इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर है, और ये सोनिया विहार का इलाका है, साढ़े चार पुस्ता, पांचवा पुस्ते का ये इलाका है। यहाँ पे मिली जुली आबादी रहती है, सब मिले जुले समाज के लोग हैं, यूपी के, बिहार के, सब कोई जगह में पैदा थोड़ी हैं, सब बाहर के ही तो हैं ये जी, सब लोग बाहर के हैं। तो माता जी क्या नाम है आपका? है? आपका नाम क्या है? नहीं कोई बात नहीं, नाम बताना कोई वो नहीं, क्या नाम है आपका? नाम हरचंदी। क्या? हरचंदी। हरचंदी जी, तो माता जी यहीं रहते हो आप? न बाहर रहे भैया, हम तो बाहर कहाँ पर रहे, पल्ली ओड़ा। क्या जगह का नाम क्या है? जगह चौन बिहार उड़ रहे हैं। अच्छा, दयालपुर। तो चमन विहार, चमन विहार में रहते हो आप? अच्छा, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही ये सीट भी लगती है, और दिल्ली में भी, यूपी में भी। जी जी जी, तो यूपी में भी। अभी यहाँ पे आप मिलने जुलने आए हो सबसे? मिलने जुलने आए, चोट लग रही इसके। अच्छा, इनके चोट लग गई तो हाल चाल जानना आएगा? हाँ, हाल चाल देखना है, मगर कोई ये नेता पेता कुछ दे दा दे, पैसा दे ला, या टोंग सही हो जमा। आपके चोट लग गई पैर में? कैसे लग गई माता जी? वो मैं गांव में तो गई थी कि वो गिर गई थी गांव में। अच्छा, गांव में गिर गए थे, पैर मुड़ गया आपका? सिड्डी पैर। फ्रैक्चर है, पक्का पलस्तर है क्या? पक्का पलस्तर है। कितने दिन अब ये सही होगा? कितने दिन? 40 दिन का। 40 दिन का। कहाँ करवाई पट्टी आपने? चिरौड़ी। है? चिरौड़ी, यूपी में चिरौड़ी। हाँ, तो यहाँ अस्पताल में नहीं करवाई? ना ना करवाई। अच्छा, वहाँ गिर गई थी तो वहीं दिखा दिया? हाँ, वहीं दिखा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आप यहीं रहते हो, आपका घर है? हाँ। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? इंद्रेश जी। इंद्रेश। इंद्रेश जी, अच्छा। तो अभी हैं मर बुढ़े को घर, बुढ़ेरा को घर है इनको घर ना। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या मारिए? आपकी सास हैं क्या? हाँ। अच्छा, सास हैं ये इनके। बाहर बहुत हम लग रहे हैं। अच्छा, आपने अलग ले लिया, बेटे बहू का अलग दिला दिया? हाँ, बेटे दौड़ रहे हैं, छोटे का लेना। अच्छा, छोटे के दौड़ रहे हैं। ये मकान था बरोबर में अपना, तब वो उस छोटे वाले ने बेच दिया, तब बाहर रहने लगा। अच्छा, तो ये जो छोटे, जो इनके छोटे बेटे हैं उनके पास रहती है, और ये निकाले नहीं है, ये ऐसा कह रही है। फिर तुम इधर कुछ सपोर्ट करोगे मारी? क्या सपोर्ट करे बताओ आप, क्या सपोर्ट करना? मारी नहीं आ रही कोई दवा गोली, सरकारी में हमें दे तो नहीं, लेने में हम पे लगे नहीं जाते, बता क्या करें? पेंशन नहीं आ रही आपकी? पेंशन नहीं आ रही, चार चार महीनों की खा जा फिर देते नहीं। यहाँ नहीं है कोई सुविधा, देखो नाली नाली देख लो, यहाँ देख लो क्या पानी की, जब से ये खंबे लगे पानी का वो टूट गया पाइप, वो नहीं है यहाँ पर कभी, या बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, ऐसा नहीं है जैसे साफ सुथरा दिल्ली का इलाका जो बढ़िया हो गए। अब लाइट भग गई, सब भग गई, लाइट की कोई ऐसी सुविधा नहीं है, पहले आती थी, ऐसी बात नहीं है कहना। हाँ, जब से हम यहाँ आए, पहले हम रहते थे सरारोल्ला में, हम वहाँ पर किराए, अब हमने यहाँ ले लिया मकान। भैया यहाँ तो लाइट जाती आती रहती है, यहाँ सुविधा क्या है यहाँ पर बताओ? यहाँ नाली ख़त्म हो जाए, थोड़ा सीवर वगैरह डल जाए तो हमें भी सुविधा हो जाए। सीवर नहीं डले अभी? हाँ डले यहाँ सीवर, कुछ भी नहीं, गंदगी इतनी रहती है यहाँ पर भैया, हम तो पागल हो गए, दे दे के यहाँ तो सबको वोट दे रहे हैं। आपका तो यहीं देंगे वोट, आपका तो हमने यही करा लिया, पहले हमने भैया हम झूठ क्यों बोला, मैं सरारोल्ले में वोट दी थी, अब यहाँ से देंगे वोट, तो वोट तो उसे देंगे जो कुछ काम तो कराए, काम तो कराएगा ना कराएगा है। अभी बताओ कहाँ किसे दें, कोई सही तो हो सकता है बंदे को, आपका तो ये सोचा जो हमें कराएगा हम तो उसे वोट देंगे, अन्य ना देंगे किसी को भी। तो वो नेता तो आके कह देंगे जब वोट दोगे तब करेंगे है, वो कह देंगे वोट दोगे तब करेंगे हम तो भैया सबको ही दे रहे हैं वोट, किसी ने हमारे साथ कुछ कुछ मिल भी तो ना रहा,
क्या मिल रहा है? गरीबों को तो कुछ ना मिला, अमीरों को सब कुछ दे रही दुनिया दे रही है। बताओ हमें क्या दिया? सिलेंडर मिला आपको जो मोदी जी कहते हैं उज्ज्वला? हमें नहीं मिला भाई सिलेंडर, मुझे नहीं मिला। मेरा तो बीपीएल का कार्ड है, मुझे जब भी नहीं मिला। अब एक बार बताओ, जब उस पर ना होगा हर आदमी कहीं से ले लेगा या कोई लेगा तो मुझे नहीं मिलेगा? मेरा नंबर चढ़ा देगा तो इन पता सिलेंडर है, नहीं दिया मुझे आज तक, नहीं दिया सिलेंडर, मुझे नहीं मिला, नहीं मिला मुझे सिलेंडर। अरे हमारा तो बुड्ढो खत्म हो गया, चढ़ की बाहर भगा लगे कहाँ जाएंगे? कोई ऐसी चीज तो सरकार दे दीजिए, हम लेके बैठ जाए और बच्चे भी हमारे किधर करें। शादी वादी करूंगी तो चल मैं इसको भी ले लूँ, मुझे तो जब भी नहीं दिया। अब मैं खड़ी होंगी अपनी लड़के की शादी में तो हमें तो कुछ चाहिए? रही सब दुनिया दे रही है मालदारों, गरीबों को कौन दे रहा है? हमें भी तो चाहिए ना, चाहिए हमें भी दो कुछ। सरकार से कोई फायदा नहीं मिल रहा? अभी ना मिला जी कुछ भी फायदा। राशन जैसे सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि राशन पहुंचा रहे हैं हम। अरे भैया तो उसे पेट भर रहा है, एक किलो दो किलो दे रहे हैं, एक दो किलो क्यों मिल रहे एक जने पे? तुम एक महीने में उसे खा कर रहेंगे? तो कह रहे 5 किलो देते हैं, 5 किलो एक जने को, 5 किलो क्या मिल रहा? 2 किलो गेहूँ मिल रहे, 1 किलो चावल मिल रहा। बताओ उसमें एक महीने में खा लूँगी? तुम खा लोगे, मोदी खा लेगा या केजरीवाल खा लेगा? एक महीने तक कौन खा लेगा बताओ? राशन मिल रहा, हम नहीं कर रहे राशन, राशन कार्ड ही ना बन रहा। राशन कार्ड नहीं बना आपका? बने ना मेरे तो बने ना भैया। क्यों राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा? पर आप राशन का क्या करें, वो भी नहीं मिल रहा आपको? क्यों राशन कार्ड ही ना बन रहा तो मिलेगा तो हमारा नंबर बन रहा। आपका राशन कार्ड बना हुआ? हाँ छोटी वाली को बन रहा हमारा राशन कार्ड, उसे मिल रहा थोड़ा घड़ो मिले पूरा, उसे भी ना मिल रहा। सिलेंडर मिला हुआ है आपको उज्ज्वला वाला? नहीं। अब बिजली बिल का केजरीवाल कहते हैं कि बिजली बिल जीरो है, जीरो आता है, कुछ भी ना कहीं जीरो पीरो ना। देखो जिसके एसी चल रही है हमारे 10-10 हजार बिल आ रहा है हमारे, देखो वो तो बिल देगा ही देगा। और जिनके एसी ना तो उनका काय को आएगा बिल? जिनके एसी है तो वो देगा ना बिल? और वो सोच रहे हैं भैया मेरे घर में एसी है तो मैं 1 रुपया का बिल ना दूं, तो ये भी गलत बात है। बिल भी ज्यादा यार हो, बिल भी ज्यादा यार ऐसा चलाओगे ऐसा आएगा? एसी कितना बिल खा लेगी? 7-7, 8-8 हजार रुपए भरे हमने महीनों के बिल के। 7-7, 8-8 हजार? हाँ महीनों के। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सबका जीरो आ रहा है पूरी महीनों के। एसी कितना बिल खा लेगी? हमारे बिल आता कोई आता नहीं है, हमको झूठ बोला हम कुछ चला हमें क्या कूलर चला झलका सा लाइट जले, हमारा बिल नहीं आता, हमको झूठ बोला कि हमारा बिल आता, हमारा नहीं आता। बच्चे आपके कहाँ जाते? आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे चार। चार बच्चे क्या करते हैं? ऐसी मजदूरी करते डोलते, नौकरी तो किसी को मिली ना भैया, पढ़ पढ़ के घर में बैठी माँ तो पोतो चौधरी की तरह पढ़ रहा, नौकरी न लगा कोई ले रहा, किसी की ना मिली भैया। बच्चे हमारे भी हैं, कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा, पेड़ तो पालेंगे, पेड़ तो पालना ना पालना पाल ले भैया अपने ऐसे ही। चोर चकोरी कर लगे कुछ देने कहीं हिले ना लगा तो क्या करे? अभी 25 तारीख को वोट है दिल्ली में, आप जाओगे वोट डालने? हाँ जाएंगे, अब वोटिंग कैसे ना करेंगे, जाएंगे। लेकिन आप तो मुझे, आप मुझे सबसे नाराज नजर आ रही हो, आप बीजेपी से भी नाराज हो, आप आम आदमी पार्टी से कांग्रेस से भी नाराज हो, तो भैया गुस्सा तो आता ही है ना। क्या सोच के वोट दोगे इस बार? हम सोच के देंगे हमारी नालियां तो बने, सीवर तो डले, कोई तो सुविधा मिले, कुछ तो मिलनी चाहिए। अब एक बताओ राशन, 1-2 किलो राशन मिल रहा, चलो माने मिल रहा हमें राशन, तो हम उस राशन को ही खाएंगे, तेल है मिर्च है मसाले कुछ ना, कपड़े लत्ते कुछ भी तो पहनेंगे, खाली राशन ही खाएंगे हैं? 2 किलो गेहूँ खा के रह जाएंगे हैं? कुछ तो मिलना चाहिए। आप क्या सोचकर वोट दोगे इस बार? भैया हम कहाँ सोच के देंगे, वोट तो देनी पड़ेगी जब को तो। हाँ हर बेटे हम तो वोट देंगे भैया, हम वोट जब से हम दिल्ली में आए जो हमारी बन रही है ना वोट हम देवे। मनोज तिवारी का काम कैसा लगा सांसद है आप बेटा? हमें ना पता, मुझे हम ना जानते छोटे। मोदी को जानते हो? मोदी पौधे हम तो वोट दें, आ जाग जी कर बाइक पकड़ाया। अच्छा केजरीवाल मोदी कौन बढ़िया लगता है आपको? हमें तो बेटा क्या कह रहे हो आप? जैसा हमारे घर के इनके बच्चे इनके पापा हम सु बोलेंगे कल्लू मम्मी या मम्मी सु कि उस पर चिन्ह पर निशान लगाई, तो वो हमसे बोलेंगे तो उस पर ही तो लगा कहेंगे। जैसे
आपके जो हस्बैंड हैं है ना, जो बच्चों के पापा हैं, वो बोलते हैं आप उस पर वो बटन दबा देते हैं। नेता बन रहे हैं ना जो भाई उनके गैल, हम तो उनके लगा जो कलोनी की नेता आपको बताती है हम तो उसकी गैल जाके डाल देते हैं, तो कोई एक डाल दें इसको कहे। जैसे यहाँ का कोई खड़ा हो हमको जोड़े का ही है, हम तो जो दिखे नहीं कैसे, मतलब जब आप वहाँ जाते हो, आपने तो इतनी बार वोट डाल लिया, आप बता फिर, तो मशीन रखी होती है मशीन, तो कैसे दबाते हो बटन, क्या सोचते हो? बटन दबा दें जैसे भाई कोई बाकी हथौड़ा है चाहे भाई फूल है, हमने तो भाई फूल पे गिरी बेटा, हम चुझूट बोले फूल पे गिरी हमने तो, हम चुझूट बोले भाई हमें तो जैसे हम हमारे घर के नो कहते कोई वहाँ पे जवाब दे, हम तो फूल पे जैसे कोई कह नहीं हो लगा कमल पे, कमल पे डालते हैं फूल सबने उस पे डालते हैं, मगर कुछ मिला है तो सही है, कुछ भी ना देते हमें। मोदी भी बढ़िया लगे, सब लगे हैं भैया, जो सुविधा हो देखो हम सबको तैयार है, हम एक वाक्य गे देंगे तो दो वाक्य गे देंगे, घेरे सबको मिल मिल के घेरे हम सबकी दोनों तरफ की। आप क्या कह रहे हो? मैं यहाँ की ना हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं बुलंदशहर साइड की हूँ। केजरीवाल दे दें, नेता लोग कोई बुरे नहीं होते, हम लोग हम जैसे हो ना हम तुम बुरे हैं, क्यों कोई कुछ करा कोई कुछ करा कोई कुछ करा, इसमें बात बनती है, ऐसा बात नहीं बनती। नेता काम भी तो नहीं करके जा रहे ना फिर, नेता आप ही बता रहे हो। अरे ना वो बेचारे आगे करने के नहीं है, जब तुम्हें जेब में नोट डाले तुम ही खा जाओगे तो वो आ रहे करने को। नेता लोग तो पैसे देते हैं गली गली में, तो घूमेंगे नहीं। लगता है कि ऊपर से मोदी केजरीवाल पैसा भिजवाते होंगे लेकिन यहाँ पहुँचता नहीं, पहुँचता नहीं है, हमारा जनता का यहाँ ये होता है, बीच वाले खा जाते हैं। अच्छा वो डालते ना होंगे जब वो इतने कर रहे हैं या करेंगे तो वो देते ना होंगे पैसे, हमें तो वही हमें है, हमें तो भी जब एक होता मैं खड़ी होंगी तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, अब मेरी जिम्मेदारी है यहाँ की, मैं यहाँ खड़ी हो गई, अब मेरी कॉलोनी की मेरी जिम्मेदारी है, तो गलियों की नालियों की तो मेरी तो है, मैं ही तो कराऊंगी, क्यों वो आएंगे यहाँ करने के लिए? दो बताओ, जैसे एक विधायक चुनते हैं हम या एक सांसद चुनते हैं तो उसके पास वो फाइल जाती है तो उसको ये तो पता रहता है कि मैंने वहाँ के लिए दिया है तो वहाँ कुछ होता है नहीं। हाँ तो वही तो कराएंगे, मैं वही तो कह रही हूँ, अब यहाँ से सोने वैसे कोई भी खड़ा होगा तो वही तो कराएगा यहाँ पे आके, क्या वो कराएंगे आके नहीं है? नु बताओ, ये सब हो जाएंगे, जो यहाँ को पैसा मिलेगा जो विधायक हो कुछ मैं तो इतना जानती ना हूँ तो वही तो करवाएंगे, क्या भी नहीं करवाते, कहाँ करवा रहे, देखो देखो ना तुम नालिया देखो तुम। ये सब समस्या, आपका क्या नाम है भाई? कुछ ना वोटर तो हो ना आप? कितने साल के हो? अभी 17 साल के। 17 साल के? हाँ। अभी वोट नहीं डालते? नहीं डाली वोट। अच्छा क्या लग रहा है वैसे लहर राजनीति वगैरह, समझते हो इलाके में किसका जोर लग रहा है? भाई बीजेपी का जोर लग रहा है, बीजेपी आएगी। बीजेपी का लग रहा है, क्यों वजह कुछ, क्या अच्छा लगता है बीजेपी? मैं तो भाई समझ नहीं देता तो कहीं में भी जी, हमें ना पता कुछ भी, बीजेपी का जोर है बस। अच्छा हिंदुत्व बढ़ रहा है, हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को वोट दे रहे। हाँ मोदी जी में क्या अच्छा लगता है? मोदी जी काम भी बढ़िया कर रहा है, बतेरी चीज लागू कर रखी है, गरीबों के लिए भी कर रखी है, सबके मतलब बराबर कर रखा है सिस्टम से जितना भी कर रखा है। दो अच्छी चीज़ें जो लगती है मोदी जी ने काम करे, एक तो राम मंदिर बना है। अच्छा हिंदुत्व पे जोर पड़ रहा है बस इस पर, ये बढ़िया है सिस्टम, ये बढ़िया है। और दूसरी चीज़ क्या बताऊँ और तो उनसे पूछ रहा बाहर के डे, मैंने देते हैं सब्जी, मैंने दे रहा वोट, अब देंगे वोट, अब पता लगे, न्यूज़ में ध्यान नहीं देता, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ? अभी 12वीं में हूँ। 12वीं में कौन? 8 साइड से? 8 से। अभी आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं, कुछ अभी नहीं सोचा। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, अगर बात करेंगे तो आपका क्या नाम है? गुड़िया वंशिका। वंशिका आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? नहीं अभी नहीं। अच्छा क्या करते हो आप? हाँ जी क्या करते हो? 8वीं क्लास में अभी। 12th पास कर लीजिए। 12th पास कर लीजिए। आगे कुछ नहीं कर रहे, कुछ करना है आगे? ना जी ब्याह करना सीधा, बात ही करते अभी नहीं, अभी बाद में करेंगे पढ़ाई, आगे करना तो है। वोट डालते हो आप? नहीं अभी नहीं, उम्र नहीं हुई। उम्र नहीं हुई। आप भी सब यहीं रहते हो? हाँ भैया। लोकल हो ये? सोनिया बिहार के। सोनिया बिहार के। अच्छा पुराने कहाँ से? बिहार से रहने वाले हो? नहीं यूपी से। यूपी में कहाँ से? जौनपुर जिला। जौनपुर से। क्या लग रहा है इस बार जोर यहाँ पे? बीजेपी। बीजेपी का क्यों? हम तो बीजेपी की तरफ नहीं,
जैसे मनोज तिवारी हैं और अब कन्हैया कुमार भी खड़े हैं। क्या किए हैं इतने दिन से आप बताओ, कुछ किए जनता के लिए? कुछ किए? मनोज तिवारी को बुला के आप ले आओ।